दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बोचहा में आरजेडी ने बीजेपी को दी करारी शिकस्त, वीआईपी तीसरे नंबर पर। जी हां, बिहार विधानसभा की बोचहा सीट के उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान ने एक तरफा मुकाबला जीत लिया। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी के बेबी कुमारी को 36,653 मतों से अंतर से पराजित किया है। आरजेडी ने यह सीट वीआईपी से छीनी है। वीआईपी की प्रत्याशी गीता कुमारी तीसरे स्थान पर रही। राजद प्रत्याशी अमर पासवान को 82,562 मत मिले, जबकि बीजेपी की प्रत्याशी बेबी कुमारी को 45,909 और वीआईपी की गीता कुमारी को 29,269 मत मिला। आरजेडी के अमर पासवान पूर्व विधायक स्वर मुसब्बिर पासवान के पुत्र हैं। अगली बड़ी खबर, जिसे पटना ने नकारा उसे बंगाल की जनता ने सिर आंखों पर चढ़ाया, भाजपा को कर दिया खामोश। जी हां, बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को भले ही बिहार की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में खामोश कर दिया हो, लेकिन बंगाल की जनता ने उनके राजनीतिक नैया को फिर से पार लगा दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को विजय प्राप्त हुआ है। उन्होंने 2,00,000 से ज्यादा वोट के अंतर से बीजेपी को उम्मीदवार को हराया है। अगली बड़ी खबर, देश के 5 जगहों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार पर बोले सहनी, यह अहंकारियों की हार। जी हां, बोचहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई है। राजद के उम्मीदवार भारी बोर्डर से चुनाव जीत गए हैं। मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार गीता कुमारी तीसरे नंबर पर रही, फिर भी मुकेश सहनी जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के हारने और खुद की जमानत बचाने में कामयाब रहने की खुशी में मुकेश सहनी ने कल होली मनाई, कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मुकेश सहनी कहते कि हम हार कर भी जीते हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। मुकेश सहनी ने कहा कि देश में 5 जगहों पर उपचुनाव हुआ है, जहां 5 जगहों पर हारना पड़ा है, यह अहंकारियों की हार है। बीजेपी के प्रदेश के नेता है जो 5 वोट जोड़ नहीं सकते हैं और सैकड़ों वोट का नुकसान करते हैं। बड़ी खबर, जीतनराम मांझी ने बेटे संतोष मांझी को सौंपी हम की कमान, पूर्व सीएम ने कहा मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने बेटे और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी को हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की कमान सौंप दी है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को पार्टी की गरीब चेतना महासम्मेलन में उन्हें इसकी विधिवत घोषणा की। मांझी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, इसीलिए अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ, पर मैं पार्टी के संरक्षण के रूप में कार्य करता रहूंगा और देखूंगा कि संतोष मांझी कैसा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें राज्य के सभी जिलों से नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर, पप्पू यादव का दावा, मुकेश सहनी जैसा होगा नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी का हाल। जी हां, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी के कुछ समूह नेता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझने लगे हैं, पर उन्हें थोड़ी संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने मुकेश सहनी के पेट में खंजर भोंकने का काम किया है, आने वाले दिन जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में शनिवार को पप्पू यादव बिहार शरीफ कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के बाद पप्पू यादव पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी उन्होंने ये बातें कही है। बड़ी खबर, भोजपुर में टूटा 90 सालों का रिकॉर्ड, अप्रैल में 44 डिग्री पर पहुंचा तापमान, सुबह 11 बजे के बाद घर से निकलना हुआ मुश्किल। जी हां, आरा के भोजपुर में इस साल भीषण गर्मी ने 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में ही पारा 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि मई माह अभी बाकी है। इस भीषण गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम से लेकर हरी सब्जियों में बैगन, भिंडी, करेली, लौकी, परवल, कटहल, मोदी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गर्मी से झुलसकर आम के टिकड़ों को 15-20% तक नुकसान हुआ है, जबकि पिछले वर्षों की तुलना में चना व गेहूं के उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई थी। बता दें कि सुबह 11 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर होते होते सड़कें वीरान होती जा रही है। सरकारी दफ्तरों में भी सामान्य दिनों की तुलना में लोग अपने कामों को लेकर कम पहुंच रहे हैं, इससे भीड़ भाड़ नहीं के बराबर देखने को मिल रही है। 15 से लेकर 16 अप्रैल तक तापमान में कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है।
अगली बड़ी खबर, राज्य के अधिकतर जिलों में लू और प्रचंड गर्मी। उत्तर बिहार में 18 से 20 तक बारिश की चेतावनी। जहां बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी लगातार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। पारे में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी से पटना सहित ज्यादातर जिलों में सुबह 8 बजे से ही लोग गर्मी से बेहाल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि सुबह में 72 घंटों तक लू की स्थिति रहेगी। बारिश नहीं होने की स्थिति में कई जगहों पर पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। जिन जिलों के लिए अलर्ट है, यहां विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं भीषण गर्मी के बीच उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश से राहत भी मिल सकती है। पूर्वा हवा के प्रभाव और तापमान में आंशिक बढ़ोतरी से उत्तर बिहार में गरज सड़क और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस ओर 18 से 20 अप्रैल के बीच बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया व एक अन्य जिला शामिल है। बड़ी खबर, महंगाई का एक और झटका। पटना में पेट्रोल डीजल के बाद पीएनजी और सीएनजी भी महंगा। जी हां, पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैस की नई दरें शुक्रवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गई है। बिहार में अब सीएनजी गैस की कीमत भी पेट्रोल डीजल की राह पर चलने लगी है। पटना में गैस वितरण करने वाली कंपनी गेल लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए रेट के बाद पटना में सीएनजी की कीमत 72.96 रुपए से बढ़कर 77.96 रुपए प्रति किलो व पीएनजी की कीमत 39.87 रुपए से बढ़कर 44.87 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। बड़ी खबर, बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को किताब के लिए करना होगा इंतजार। राशि पहुंचने के साथ किताबों की उपलब्धता बड़ी चुनौती। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 2022-23 पहले अप्रैल से आरंभ हो चुका है। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे 1 अप्रैल से ही अपनी अपनी नई कक्षाओं में अध्ययन करने आ रहे हैं। लेकिन न तो अब तक उन्हें किताब खरीदने के पैसे सरकार की ओर से दिए गए हैं और न ही जिलों में किताब ही पहुंची है। आलम यह है कि नए सत्र के पहले महीने का आधा समय बीत जाने के बावजूद फिलहाल किताब को लेकर शिक्षा महकमा में राज्य मुख्यालय से लेकर जिला तक कोई सुगबुगाहट नहीं आरंभ हुई है। ऐसे में इन 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को नई कक्षा के पाठ्य पुस्तक के लिए भी और इंतजार करना होगा। 4 दिन पूर्व पीएबी की बैठक में केंद्र सरकार ने बच्चों की किताब के लिए 520 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। लेकिन अभी यह राशि बच्चों तक पहुँचने में कई प्रक्रिया से गुजरेगी। बड़ी खबर, बिहार के यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। जल्द नेशनल और स्टेट हाईवे पर खुलेंगे 1302 नए पेट्रोल पंप। जी हां, बिहार में 1302 नए पेट्रोल पंप खुलेंगे। इसमें 670 इंडियन ऑयल, 319 हिंदुस्तान पेट्रोलियम और 313 भारत पेट्रोलियम के पंप है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। ये सभी पेट्रोल पंप राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे पर खुलेंगे। यह पर्याप्त पेट्रोल पंप नहीं होने तथा इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के मामले में पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। बड़ी खबर, ताजापुर बख्तियारपुर पुल का निर्माण 2024 तक होगा पूरा। सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ का पूजन। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल समस्तीपुर जिले के अंदर आने वाले ताजपुर बख्तियारपुर निर्माणाधीन पुल के पुनः कार्य आरंभ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन और नारियल फोड़कर पुनः कार्यारंभ आरंभ किया। सीएम नीतीश को बिहार राज्य पद विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए से बख्तियारपुर ताजपुर ग्रीन फील्ड गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट की जानकारी दी। बताया गया कि इस प्रोजेक्ट की लंबाई 51.127 किलोमीटर है, जिसमें पुल की लंबाई 5.517 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच रोड की लंबाई 45.810 किलोमीटर है। प्रेजेंटेशन के दौरान नव युग इंजीनियरिंग कमलिंग लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दिसंबर 2024 तक योजना पर काम पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में अभी 4 वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रम नहीं होंगे लागू, लेकिन इसी सत्र से प्रभावी होंगे CBCS। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रम कार्यक्रम अभी बिहार के विश्वविद्यालय में लागू नहीं होंगे। इसके लिए पाठ्य ढांचा एवं क्रेडिट बनाने की तैयारी करनी होगी। लेकिन नए सत्र से स्नातक कोर्स में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट कार्ड सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी ने की है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी ने 2021 में नेशनल कोर्स में CBCS को लागू कर दिया था। अब यहां स्नातक से रेगुलर कोर्स में CBCS लागू किया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय में स्नातक को तौर पाठ्यक्रम में CBCS को लागू किया गया था। आपको बता दें कि CBCS एक नया ग्रेडिंग सिस्टम है जो अब से सभी स्नातक या उससे अधिक के डिग्री में लागू होगा। जैसे परीक्षा में पहले नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। यह व्यवस्था स्नातक को तौर पाठ्यक्रम में लागू है। इसे यूँ समझे कि जैसे CBSE के स्कूलों में CGPA को समझते हैं, ठीक इसी प्रकार के नियम को CBCS कहा जाता है।
खबर बिहार में डरा रहा है कोरोना का चौथी लहर का खतरा। ट्रैकिंग के साथ बढ़ाई जाएगी कोरोना की टेस्टिंग, बाहर से आने वालों पर नजर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के साथ कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के सात राज्यों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश के कुल 734 जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है। ऐसे में कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। बिहार में हालात अभी ऐसे नहीं है, लेकिन देश में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बाहर से आने वालों की टेस्टिंग कराने के साथ ही अब ट्रैकिंग की तैयारी है। एक खबर, अब जूता पर रोक, चप्पल पहनकर देने होंगे इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा। बिहार बोर्ड ने जारी किया निर्देश। जी हां, बिहार बोर्ड ने इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को निर्देश दिया कि वे चप्पल पहनकर ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इंटर के मुख्य परीक्षा फरवरी में हुई थी। काफी ठंड होने के कारण जूता मोजा पहनने की इजाजत दी गई थी। अब वातावरण गर्म होने के कारण चप्पल पहनकर आने का निर्देश दिया गया है। इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा 25 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। जल्द ही हर इसके लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा 18 से 20 अप्रैल तक ली जाएगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि देश के 5 जगहों पर बीजेपी के हारने का मुख्य कारण क्या है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।